हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं शाही टुकड़ा की रेसिपी, जिसके लिए हम ब्रेड लिए हैं। अब ये ब्रेड हम इसको हम साइड से निकाल देंगे, जो ब्राउन वाला है इसको हम निकाल देंगे साइड साइड से। इसी तरह हम सारे ब्रेड को निकाल देंगे काट के। इसी तरह हमने सारे ब्रेड को काट लिया है। अब हम गैस जलाएंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। हमारा ब्रेड सिक गया है, दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड सेक लेंगे। लेंगे कढ़ाई, इसमें हम एक गिलास दूध डालेंगे। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। एक गिलास हमने दूध डाल दिया है, अब इसको हम उबलने देंगे अच्छे से। हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है, ये ठंडा दूध है। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे एक चम्मच, बस एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाना है। ठंडा दूध रहना ही चाहिए, गर्म दूध रहेगा तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो आप लोग ठंडा दूध ही लीजिएगा। दूध हमारा उबल रहा है, हमारे दूध को 5 मिनट हो गया है उबल के। इसमें हम चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे जो हमने दूध में मिला के रखा हुआ था। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हम। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे 2 मिनट तक। इसको हम अच्छे चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े अच्छे से। हमारा दूध देखिए गाढ़ा हो गया है, हमारा दूध अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम ब्रेड पे डालेंगे इसको। अब हम इस पे ये दूध डालेंगे जो बनाए थे अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो डाल दीजिए। हमने काजू बादाम और ये थोड़ा सा गरी का बुरादा लिया है जो मैंने कद्दूकस के रखा था, ऊपर से हम डाल दिए हैं। हमारा शाही टुकड़ा रेडी है। अब इसे हम कभी भी खा सकते हैं, कोई पार्टी हो घर में, त्यौहार पे। एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा जरूर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।